हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कंट्रा वाउचर टैली में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, आइए आपको बताता हूँ आज के इस वीडियो में। एक सेटिंग आप कर लेंगे कंट्रा वाउचर में, जीरो जो है गलती की संभावना रहेगी, मतलब गलती हो ही नहीं सकती आपसे, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा कंट्रा वाउचर की एंट्री पास करने के लिए, आइए दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये गेटवे ऑफ टैली है, टैली की मेन मेन्यू, यहाँ से आपको वाउचर में जाने के लिए वी बटन प्रेस करना है। ये देखिए ये वी हाईलाइट है, तो आपको सिर्फ वी ही प्रेस कर देना है, आप आ जाएंगे। तो अभी देखिए ये कौन सा वाउचर है, पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर के बाद हमें जाना है कंट्रा वाउचर, तो कंट्रा वाउचर की शॉर्टकट की होती है F4, यानी फंक्शन बटन F4 प्रेस कर दीजिएगा तो कंट्रा वाउचर में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक सेटिंग आपको करनी है, वो सेटिंग क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आ रहा है क्रेडिट, ये क्रेडिट हमें नहीं चाहिए, इसे हमें लेना होगा सिंगल एंट्री मोड में। कैसे ये सिंगल एंट्री मोड में आएगा, यहाँ देखिए चेंज मोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर चले जाइए, क्लिक कर दीजिए और इसे सिंगल एंट्री मोड बना लीजिए। और जैसे ही बनाएंगे तो ये इस सिचुएशन में आ जाएगा। ये देखिए ये जो है कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपके सामने आ जाएगा। अभी क्या करना है, अभी इसे हमें चेंज करना है किसमें, सिंगल एंट्री मोड में। तो इसके लिए क्या करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है हमें F12 की, क्या प्रेस करना है F12, ठीक है, एंटर करते हैं, यहाँ पे F12 प्रेस करते हैं। ये देखिए ये डेबिट और क्रेडिट वाली एंट्री यस है, तो इसको नो कर देंगे हम, ये नो करके और कंट्रोल ए कर देंगे, तो बस ये सिंगल एंट्री मोड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब सिंगल एंट्री मोड में कन्वर्ट होने के बाद क्या करना है, यहां पर देखिए जिस खाते में पैसा जाएगा, मैंने कई बार ये बात बताई है कि जिस खाते में पैसा जाएगा ये ऊपर रहेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारा एक अकाउंट है, फिर यहां पे मैं लिखता हूं कोटक महिंद्रा बैंक, तो इसी बैंक में हमारा अकाउंट है, और यहां पर लिख करके ये जाएगा अंडर बैंक अकाउंट, ठीक है। तो कोटक महिंद्रा तो बैंक है, तो इसका ग्रुप क्या होगा, बैंक अकाउंट। तो यहाँ बैंक अकाउंट करके आगे बढ़िएगा, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो यहां पे डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहां पर एंटर करके IFSC कोड वगैरह सब फिल कर लीजिएगा, यहां पे ब्रांच का नेम डाल दीजिएगा, कहां का ब्रांच है, तो मैं यहां पे फिलहाल देवरिया कर देने वाला हूं। और यहां पर चेकबुक चाहिए तो कहां से नंबर शुरू होगा ये सब डालना रहता है, ठीक है। तो यहां पर कुछ इस तरीके से ये शुरू किया हमने, और कहां तक जाएगा वो यहां पे दे देना, ये हो गया। देखिए इतने चेक इशू हो गए, हमने कुछ ज्यादा ही चेक इशू कर दिए। खैर चेकबुक पर नाम क्या प्रिंट होना चाहिए, सूरज कुमार तिवारी, यही नाम प्रिंट होना चाहिए, तो वो यहाँ पे दे दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में पैसा जा रहा है। अब मान लीजिए कैश कोई भेज रहा है, तो यहाँ से कैश करिए, एंटर करिए, यहाँ पे कितना कैश भेजा जा रहा है, तो मान लीजिए 5000 रुपया कोटक महिंद्रा बैंक में भेजा जा रहा है, एंटर करिए, एंटर करिए। यहाँ पे नोटों की डिटेल डालनी पड़ेगी, 2000 की नोट बंद हो गई है, 500 की नोट चल रही है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 5000 रुपए के लिए 5 नोट कर देता हूँ, बल्कि 10 कर देता हूँ, सीधा सीधा 5000 हो जाएगा। तो ये देखिए नोटों की डिटेल भी हो गई क्लियर, और यहाँ से नरेशन वगैरह डाल करके एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा, बस इतना ही काम है। अब ये एंट्री दिखेगी कैसे, यहाँ से बाहर आने के लिए स्केप बटन, ठीक है, और फिर यहाँ से के प्रेस कीजिएगा। जैसे ही के प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ऊपर वाली एंट्री कंट्रा वाउचर की है, क्लिक करके एंटर कर आई बटन प्रेस कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से ये आया हुआ है, यही आपका प्रिंट आउट है, ठीक है ना। अब मान लीजिए पैसे की निकासी की बात हो, अभी तक तो जमा हो रहा था खाते में, निकासी हो तब क्या करेंगे, निकालना हो तब क्या करेंगे, तो फिर वापस से F4 प्रेस करके कंट्रा वाउचर में आ जाएंगे। जिस खाते में पैसा डालना है वो यहाँ पर आएगा, या आप कैश निकाल रहे हैं तो कैश का लेजर यहाँ पर आ जाएगा, ये जो कैश है ना यहाँ पर आ जाएगा, और फिर यहाँ से हम उस बैंक का नाम लिखेंगे जिस बैंक से पैसा निकाला जा रहा है। हमारा तो कोटक महिंद्रा बैंक है, तो इसी में से हम पैसा निकाल रहे हैं, तो हम 2000 रुपये निकाल रहे हैं, तो ये निकालने की एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए ये 2000 रुपये डाल दिया, ये हो गया। अब एंटर करके, एंटर करके और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, बस यही तो एंट्री है, समझ रहे बात को। ₹2000 डाल दिया गया है, अब यहाँ से एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट भर कराना है आपको, जैसे एक्सेप्ट कराएंगे काम आपका हो जाएगा।